पहला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? ऑप्शन दिया है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, कृत्रिम स्पेक्ट्रम, कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, सभी कथन सत्य है। तो जो इंद्रधनुष जो होता है वो किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम होता क्या है? देखो, सूर्य का प्रकाश जो होता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। यदि उसी सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म में से होकर गुजारा जाता है तो सूर्य का जो 7 कलर है स्पष्ट दिखाई देने लगता है, मतलब उन 7 कलर के समुदाय को ही स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो इंद्रधनुष जो होता है वो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। दूसरा क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? ऑप्शन दिया है लाल, काला, पीला, नीला। तो अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग हमेशा काला दिखाई देता है। इसका राइट आंसर बी होगा, काला। तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है? ऑप्शन दिया है कार्निया, रेटिना, आयरिस, पुतली। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है रेटिना। रेटिना भाग पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा, रेटिना। चौथा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? ऑप्शन दिया है न्यूटन, टेस्ला, एम्पियर, मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला होता है। इसका राइट आंसर टेस्ला। ये न्यूटन जो होता है वो बल का मात्रक होता है, एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है, और मीटर जो होता है लंबाई का मात्रक होता है। तो बच गया टेस्ला। टेस्ला जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। इसका राइट आंसर टेस्ला होगा। पांचवा क्वेश्चन है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? धारा दिया है, ऑप्शन दिया है दिष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं। तो डायनमो से दिष्ट धारा प्राप्त की जाती है। इसका राइट आंसर ए होगा, दिष्ट धारा। छठा क्वेश्चन है, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? ऑप्शन है स्थायी चुंबक, नाल चुंबक, विद्युत चुंबक, सामान्य छड़ चुंबक। तो व्यावसायिक मोटरों में चुंबक का उपयोग होता है, विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा, विद्युत चुंबक। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा ही नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे, पहले पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? ठीक है, ऑप्शन दिया है हाथ और पैर, मांसपेशियाँ तथा हृदय, हृदय तथा मस्तिष्क, नेत्र तथा दृक् तंत्रिका। तो इसमें से राइट आंसर होगा सी, हृदय तथा मस्तिष्क में ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मानव के ये दो महत्वपूर्ण भाग है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना जरूरी है, हृदय तथा मस्तिष्क। आठवां क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? ऑप्शन है इस्पात, नरम लोहे, पीतल, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः नरम लोहे का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा। नवा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिया है मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने, एम्पियर ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। इसका राइट आंसर सी होगा। दसवां क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, ऑप्शन दिया है क्रोमियम, सिलिकॉन, यूरेनियम, एल्यूमिनियम। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम बहुत जरूरी है, यूरेनियम बहुत आवश्यक है। इसका राइट आंसर सी होगा।